जब मनुष्य को सत्य का बोध होता है और महाज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसकी वाणी खोसी जाती है, वो मौन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जानना था उसे जान लिया गया, जो समझना था उसे समझ लिया गया। सांसारिक बंधन अब उसे नहीं बांधती, राग द्वेष घृणा अब उसे नहीं सताती। ये वो पल होता है जब मनुष्य स्थिर हो जाता है, जन्मों जन्मों के बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य उस चैतन्य की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाता है। परंतु जब तक महाज्ञान को प्राप्त मनुष्य प्रकृति के बनाए शरीर में वास करता है, तब तक साधारण मनुष्य के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो होता है कि उसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो उसे साधारण मनुष्य को अपनी वाणी के जरिए बता सके, ताकि साधारण मनुष्य को भी सत्य का बोध हो सके। दोस्तों, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनकी वाणी खोसी गई थी, वो मौन हो गए थे। तब ऐसा कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुषों ने उन्हें अपना मौन भंग करने के लिए अनुरोध किया और अपने ज्ञान से मानव कल्याण के लिए प्रेरित किया। तब जाकर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी शहर में स्थित सारनाथ में दिया। दोस्तों, आज हम आपको अत्यंत प्राचीन वाराणसी या काशी शहर में स्थित सारनाथ के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित तो होंगे ही और अपने जीवन काल में एक बार सारनाथ जरूर आना चाहेंगे। सारनाथ, जो काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे कि लुम्बिनी, बौद्धगया, कुशीनगर और सारनाथ। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन धर्म में इसे सिंगापुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयंसनाथ का जन्म यहीं से थोड़ी दूर पर हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जगह का नाम पहले क्या था और इसका नाम बाद में सारनाथ कैसे पड़ा। कहते हैं कि पहले यहाँ घना वन था और यहाँ मृग विहार क्या करते थे, यानी ये जगह हिरणों का क्षेत्र था। उस समय इसका नाम ऋषि पत्तन और मृगदाय था। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। सम्राट अशोक के समय यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंह की मूर्ति वाला भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से ही लिया गया है। यहाँ का धार्मिक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खींचातानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया था। मृगदाई में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और बाद में यह स्थान सारंगनाथ नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर स्थित सारंगनाथ महादेव का मंदिर बहुत ही प्रचलित है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सम्राट अशोक ने 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व यहाँ बौद्ध संघ के प्रतीक स्वरूप विशाल का स्तंभ स्थापित किया था। इसके ऊपर स्थापित सिंह आज भारत देश का राष्ट्र प्रतीक है। यह स्तंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसे अशोक स्तंभ नाम से जाना जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन में इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। कहा जाता है कि सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल का था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, उसने सारनाथ को अत्यंत खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई सौ वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इसके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। कहा जाता है कि महमूद गजनवी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। पुनः 1026 ईस्वी में सम्राट महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक दो भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज्य का स्तूप एवं धर्मचक्र का उद्धार भी किया। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख में इसकी पुष्टि भी होती है कि गाढ़वाल देश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमारी देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया था और कहते हैं कि इसके पश्चात सारनाथ की वैभव का अंत हो गया था। सारनाथ के उत्खनन के संबंध में कहा जाता है कि सर्वप्रथम समिति उत्खनन कर्नल कैकन जी ने 1855 ईस्वी में करवाया था।
लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इस उत्खनन के करीबन 20 वर्ष पश्चात 1835 में कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से घामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को खोद निकाला। कनिंघम का घामेक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईस्वी का एक अभिलेख शिला पट्टी भी मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियां भी मिली, जो अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम विस्तृत एवं वैज्ञानिक उत्खनन HB ओर्टेल ने करवाया। उत्खनन 200 वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया। यहाँ से मुख्य मंदिर तथा अशोक स्तंभ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मूर्तियां एवं शिलालेख भी मिले। प्रमुख मूर्तियों में बोधिसत्व की विशाल अभिलेखित मूर्ति, आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजूसी, नीलकंठ की मूर्तियां तथा तारा, वसुंधरा आदि की प्रतिमाएं भी मिली। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों स्टेन कोनो और दयाराम साहनी के साथ 1907 में सारनाथ के उत्तर दक्षिण क्षेत्र में उत्खनन किया। उत्खनन से उत्तर क्षेत्र में 3 कुशानकालीन मठों का पता चला। दक्षिण क्षेत्र से विशेषकर धर्मराज का स्तूप के आसपास तथा घामेक स्तूप के उत्तर से उन्हें अनेकों छोटे छोटे स्तूप एवं मंदिरों के अवशेष मिले। उत्खनन का यह कार्य बाद के वर्षों में भी जारी रहा। सन 1914 से लेकर 1915 ईस्वी में HR ग्रीव्स ने मुख्य मंदिर के पूर्व और पश्चिम में खुदाई करवाई। उत्खनन में मौर्यकाल से लेकर मध्यकाल तक की अनेकों वस्तुएं मिली। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान सारनाथ पर गया। इस क्षेत्र का अंतिम उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में 5 सत्रों तक चलता रहा। घामेक स्तूप से मुख्य मंदिर तक के संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन किया गया। इस उत्खनन से दयाराम साहनी को एक फुट 9.5 इंच लंबी, 2 फुट 7 इंच चौड़ी, 3 फुट गहरी एक नाली के अवशेष भी मिले। दोस्तों, सारनाथ एक बहुत बड़ा विषय है और इसकी विस्तृत जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देना थोड़ा कठिन है। यहाँ कई बौद्ध ढांचे और स्मारक है, इनमें से कई ईसा पूर्व 2री शताब्दी के हैं। इसके अलावा यहाँ इतिहासकार और पुरातत्वविद भी आते हैं, जो यहाँ के स्मारकों और ढांचों पर अंकित प्राचीन लिपि का अध्ययन करते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। यहाँ स्थित डियर पार्क बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। ये वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, डियर पार्क में स्थित घामेक स्तूप वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने आर्यष्टांग मार्ग का संदेश भी दिया था। यहाँ और भी कई स्तूप हैं, जैसे कि धर्मराज का स्तूप और चौखंडी स्तूप आदि, जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। इसके साथ ही यहाँ अशोक पिलर, मूलागंधा कुटी विहार, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और बोधि वृक्ष है, और जिसे बोधगया स्थित बोधि वृक्ष के तनों को काटकर यहां लगाया गया है। दोस्तों, इन सब की विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में देंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प होगी और जिसे सुनने मात्र से ही आप सारनाथ जाने का मन जरूर बनाएंगे। दोस्तों, यहां तक कैसे पहुंचे, कब जाएं और क्या देखें, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के दूसरे भाग में देंगे। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमसे निस्संदेह पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।